अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष के नाम से, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आदि पुरुष एकदम फालतू पिक्चर है, और लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना रहे हैं लगे थे। ऐसा सब थोड़ी यूज करते हनुमान जी महाराज, गलत है ना। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री राम माता सीता को रावण से युद्ध करके लंका से वापस अपने घर लाते हैं। लेकिन उस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बजरंगबली इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेबी तेरे बाप की। रावण राघव यानी कि श्री राम से कहता है कि अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो जंगल में है, और जंगल का राजा शेर होता है, तो वो कहाँ का राजा है रे। यस, मैं ये एग्जैक्टली उस मूवी के डायलॉग्स को बता रहा हूँ। फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं कि ऐसा लगता है कि रामायण अभी एक दो साल पहले की घटना है, इसलिए राइटर डायरेक्टर को जो मन में आया वो बुलवा दिए हैं। और ये बात है तो राम जी और हनुमान जी से दो चार गाली भी बुलवा देते हैं, बन जाती एक मॉडर्न वेब सीरीज। भाई ये हमारे भगवान बात कर रहे हैं, ये कोई गली बॉय थोड़ी ना चल रहे हैं ऑन स्क्रीन। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सेंसर बोर्ड पे भी उठता है, क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? क्या उसको दिखाई नहीं दिया कि कैसे आस्था का मजाक बनाया गया इस फिल्म में? या फिर फिल्म को बड़े बड़े नेताओं के आशीर्वाद की वजह से सेंसर बोर्ड ने ऐसे ही पास कर दिया? ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम करवाने वाला फिल्म है, कैसे वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। टारगेट तो यहाँ पे पैसा और धर्म था, लेकिन भारत के हिंदू कोई बेवकूफ नहीं है कि वो भगवान के साथ खिलवाड़ होने देंगे। ये सब चीजें हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। सो वैसे तो धर्म का उपयोग हमेशा से पॉलिटिक्स में होता चला है। इस पिक्चर में भी पॉलिटिकल टोन काफी ज्यादा है। अब किस पार्टी का टोन ज्यादा है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान श्री राम लंका की तरफ जा रहे होते हैं तो श्री राम भगवा झंडा गाड़ने की बात कर रहे होते हैं। भाई कम से कम रामायण को तो छोड़ दो। तो आइए आज के इस वीडियो में पूरी हकीकत जानते हैं, और जो भगवा चोला पहनकर हिंदुओं के श्रद्धा के साथ खेल रहे हैं उनका भी पर्दाफाश करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जब भी आप अपना ओपिनियन देना, वरना हो सकता है आप ऑफेंड हो जाओ। सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि राम और रामायण एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो चीजें वेदों में है ही नहीं, तो हम कैसे बिलीव कर ले कि सच में राम थे, रामायण हुआ था? तो इसको समझना जरूरी है, क्या सच में किसी भी वेद में रामायण का जिक्र नहीं किया गया है? क्योंकि वीडियो में हम आगे जो भी बातें बताएंगे उसको समझाने से पहले मैं आपको ये प्रूफ देना चाहता हूं कि वेदों में राम जी का जिक्र है। तो देखो, ये माना जाता है कि राम जी के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है, और कुछ हद तक ये सच भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम दो दो जगहों पर मिलता है। ऋग्वेद में अध्याय 10 में श्लोक नंबर 3 के तीसरे लाइन में एक जगह पे राम के नाम का उल्लेख मिलता है, जो कुछ ऐसे हैं, सुप्रा के तैर्दयु भिड़गिरि वितिष्ठन ऋष्विद वर्ण रवि रामम स्थात। बट यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ पे रामायण वाले राम की बात करी जा रही है या किसी और राम के बारे में। लेकिन आगे ऋग्वेद में राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख है, और राजा दशरथ जो कि राम जी के पिता श्री थे, और राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। जहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि श्री राम सीता एग्जिस्ट करते थे। ये जवाब उनके लिए भी है जो लोग रामायण पे सवाल उठाते हैं। आपने हमने सबने ये सुना है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही सबसे पहले रामायण के बारे में लिखा या जिक्र किया है, बट ऐसा नहीं है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और इसको पढ़ने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी और जो दशरथ जातक कथा में जो रामायण है उसमें क्या डिफरेंस है। तो टॉपिक पे वापस आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईसा और ईसा पूर्व को समझना होगा। देखो, डेट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। ये दोनों ही ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी मैं बिफोर क्राइस्ट की बात करूंगा, मतलब मैं ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करूंगा, और जब मैं आफ्टर क्राइस्ट की बात करूंगा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करूंगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के आज 2023 साल हो चुके हैं, और ये जो आप बीसी और बीसी सुनते हो ना, ये दोनों ही ईसा मसीह के जन्म के पहले के सालों को इंडिकेट करता है, और एडी और सी दोनों ईसा मसीह के जन्म के बाद के सालों को इंडिकेट करता है। होप कि आप डेट के बारे में समझ गए होंगे। तो टॉपिक पे वापस आए तो ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भी भगवान राम के समकालीन थे, यानी कि वो भगवान राम के टाइम पे जिंदा थे, और माता सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। लवकुश ने श्री राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी, इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। अब आप सोच के देखो, रामायण लिखी गई थी आज से लगभग 9341 ईसा पूर्व में, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था तब से लेकर आज तक वैसे ही चली आ रही है। लोग उसको श्रद्धा के साथ पढ़ते और देखते भी है, लेकिन अब उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बार फिर आप सोच कर देखो, कोई न्यू जनरेशन का बच्चा है वो इस रामायण से यानी कि आदिपुरुष वाले रामायण से क्या सीखेगा? गुस्सा करना या बदतमीजी वाले स्टाइल में बात करना या हिंदू का मजाक कैसे उड़ाते हैं ये सीखेगा। जहाँ पे आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि रामायण की सबसे ज्यादा कथाएं संभवतः संस्कृत और उड़िया भाषा में ही लिखी गई है। संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएं हैं, जिनमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और कालिदास जैसे
ऋषि और कवियों की रचनाएं हैं। वहीं उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की अलग अलग राम कथाएं हैं। मैंने इस पर बहुत ही डीप रिसर्च किया, लेकिन मुझे किसी भी रामायण में लंकापति रावण रथ के बजाय चमगादड़ पर सवारी कर रहे हो ऐसा मुझे किसी भी रामायण में नहीं मिला। और तो रावण की लंका हर रामायण में सोने की थी, आदिपुरुष में वो काली कैसे हो गई भाई? फिल्म मेकर्स ने सोचा क्यों ना भगवान राम के नाम में कुछ बिजनेस कर लिया जाए। सबसे पहले आप ये इनका इमोशनल ड्रामा देखो। प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण प्लीज सर। फिल्म से पहले ड्रामा करके बिजनेस करने का आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा है ना कि हिंदू के श्रद्धा के लिए। आप इमेजिन करिए 600 साल के बाद राम मंदिर भारतवासियों को दोबारा सौंपा जा रहा है, रामलला घर वापस आ रहे हैं, और इतनी बड़ी खबर के साथ साथ रामायण की स्टोरी के ऊपर बेस्ट मूवी आदिपुरुष का भी अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, बाहुबली के स्टार और तानाजी का डायरेक्टर एक ही फिल्म में। उसके बाद सबसे पहले इसका एक ट्रेलर रिलीज किया जाता है जिसके वीएफएक्स को लेकर खूब सवाल उठने लगते हैं, तो उस पे मेकर्स रिस्पोंड करते हैं और रिलीजिंग टाइम को लगभग हाफ ईयर बढ़ा देते हैं। उसके बाद पहले ये देखो, अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज, जिससे कि लोग और भी हाइप हो गए। और इतना हाइप होने के बाद पब्लिक को क्या मिला? ये का बवासीर बना दिया हो? लोगों के अंदर से बस गालियां निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या बना दिया भाई, ये कोई हॉलीवुड का फिक्शनल स्टोरी थोड़ी है कि जो मन में आया शूट कर दिया। सबसे पहले तो भाई आप सोर्स मटेरियल ही देख लीजिए। आदिपुरुष भारत के दो सबसे बड़े पिक्स में से एक रामायण की कहानी बताने वाली थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेसिकली सभी हिंदू को रामायण की कहानी शुरू से लेकर अंत तक याद है। कोई बेचारा ऐसा आदमी है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको भी रामायण की कहानी जरूर पता होगी। और ये फिल्म एक ऐसे समय पे निकल रही है जब राम जन्मभूमि का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का ऑर्डर है, जिसके दर्शन ऑलमोस्ट 600 सालों के बाद श्रद्धालु दोबारा कर पाएंगे। और उसको थोड़ा मार्केट भी तो आई थिंक वैसे ही किया गया था। आदिपुरुष की हाइप इतनी बनी हुई थी कि नेटफ्लिक्स ने आदिपुरुष के डिजिटल राइट्स को 250 करोड़ में खरीद लिया था। बट वो अलग बात है कि सिनेमा में तो लोगों ने आदिपुरुष को देखा नहीं, तो ओटीटी पे क्या ही देखेंगे। और चूंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल डील थी, तो इसके हाइप को और बढ़ाने के लिए बड़े स्केल के इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। ट्रेलर के रिलीज के टाइम पे अयोध्या में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हजारों साधुओं के लिए इंतजाम किया गया, प्रभास को बिल्कुल राम वाला लुक भी दिया गया, एंड ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट भी देखने मिला। मूवी रिलीज के पहले ही 470,000 टिकट बिक चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, इतनी हाइप के बावजूद जब ये फिल्म रिलीज हुई, तो उसका नतीजा आपने देख ही लिया होगा। ऐसा लगता है कि हाइप बनाया गया था फिल्म पठान के लिए, और निकला किसी का भाई किसी का जान। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपका बजट 600 करोड़ का है, तो ऑडियंस को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वीएफएक्स बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि वीएफएक्स इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक कई लोगों को ये फिल्म तीन रीजंस की वजह से पसंद नहीं आ रही है। पहला रीजन, सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइन। आप देखिए जो कॉस्ट्यूम्स है जो नेचुरली अच्छे दिखते हैं, फॉर एग्जांपल रावण जब ऋषि का रूप धारण करके सीता माता के पास आता है, तो वो कॉस्ट्यूम काफी अच्छा है। और जब सीता माता रावण की वाटिका में होती है, वो कॉस्ट्यूम भी अच्छा है। लेकिन बहुत जगहों पर कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर्स के लुक को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दिखाया गया है। ऑनेस्टली देखकर ऐसा लगता है कि ओरिजिनल यूनिक डिजाइन के चक्कर में कैरेक्टर्स की तहस नहस कर दी गई है। इनके मूवी डिजाइनर्स ने क्या किया कि दूसरी पॉपुलर फिल्में देखी, फ्रेंचाइजी देखी, टीवी सीरीज देखी, उनके डिजाइन कॉपी करके इस फिल्म में कैरेक्टर्स के ऊपर चेप दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई अगर उन फिल्मों में उन सीरीज में लोगों को ये डिजाइन पसंद है तो यहाँ पे भी आएंगे। फॉर एग्जांपल रावण का जो लुक है वो हमेशा से हम इस तरह से समझते हुए आए हैं, लेकिन इस फिल्म में रावण का डिजाइन अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन वाला हेयर कट या फिर किसी वेस्ट दिल्ली के लॉन्डो वाला हेयर कट दे रखा है, और जिम वाली टी शर्ट पहनी हुई है, और ये सर के साइड में ये डिजाइन क्या दे दिया भाई साहब। इनफैक्ट सिर्फ लुक ही नहीं, इवन सैफ अली खान भी रावण के कैरेक्टर में फिट नहीं आ रहे। रावण के पुष्पक विमान को भी फिल्म में कुछ सीन्स में एक ड्रैगन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि डिजाइनर्स ने सोचा होगा कि भैया गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा पॉपुलर है, सबको बहुत पसंद है, उसमें ड्रैगन्स तो है, तो अगर गेम ऑफ थ्रोन्स में लोगों को ड्रैगन पसंद आया तो रामायण में भी ड्रैगन्स पसंद आएंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि आदिपुरुष की जो लंका की डिजाइन है उसमें भी डिजाइनर्स ने पूरी तरह से थॉर फिल्म के आसगार्ड के डिजाइन को कॉपी करके चेप दिया है। कुछ कुछ जगहों पर श्रीराम का कॉस्ट्यूम भी लोगों को पसंद नहीं आया, और कुछ जगहों पर अगर हम उनके कॉस्ट्यूम देखें तो ऐसा लगता है कि अरे कोई रोमन साम्राज्य का राजा है क्या, या जूलियस सीजर है क्या है। अगेन एक 600 करोड़ बजट वाले मूवी के कैरेक्टर डिजाइनिंग और कॉस्ट्यूम को बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई जा सकती थी, जिन्हें की दूसरी फेमस फिल्में और टीवी शोज के कैरेक्टर को भगवान श्री राम के नाम पे उतार दिया जाए। लोगों को ये फिल्म पसंद आने की दूसरी रीजन है इसके डायलॉग्स, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप के, तेल तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। तो क्या भगवान के मुंह से ये शब्द शोभा देता है, और क्या भगवान इस स्टाइल में कभी बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आदिपुरुष ने बेशक कुछ लोगों को नाराज किया हो, बट आदिपुरुष ने वो करके दिखा दिया जो प्रो मोदी 10 सालों में भी नहीं कर पाए। आदिपुरुष ने सिर्फ 5 दिनों में वो करके दिखा दिया। वो कैसे? तो देखो, जो लोग रामायण और राम मंदिर पे सवाल उठा रहे थे कि क्या राम मंदिर बनने से इकोनॉमी ग्रो होगा, कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बसता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते
तो क्या इस देश का विकास हो सकता। इसलिए शुरू में मैंने रामायण के बारे में बताया था कि ऋग्वेद तक में राम और राम जी के साम्राज्य का जिक्र किया गया है। भले ही जो सच्चे राम भक्त थे वो आदिपुरुष से नाराज हुए होंगे, पर जो लोग राम और रामायण पर सवाल उठाते थे वो लोग भी राम भक्त बन गए हैं। जो मैंने अभी अभी आपको आम आदमी पार्टी का जो वीडियो दिखाया था, ये लोग तो पहले राम और रामायण पर सवाल उठाते थे, वो भी अब आदिपुरुष पर सवाल उठाने लग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा। साइंस से रिलेटेड बात करने वाला ध्रुव राठी, जो श्री राम और रामायण पे सवाल उठाता था। कहानियां सुनाई जाती थी, हाँ। तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। वो भी आदिपुरुष पे ट्वीट करके फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई जब तुम मानते ही नहीं तो क्या फायदा फिल्म अच्छी बनी है या नहीं, तुम्हें उसे क्या। ऐसे लोग जो बात बात पे राम मंदिर का मजाक उड़ाया करते थे, अब वे लोग भी राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऑफेंड हो रहे हैं कि आदिपुरुष ने श्री राम जी का मजाक कैसे बना दिया। उसके बाद वे लोग जो खुद को देश का देशभक्त बताते हैं, यानी कि आकाश बनर्जी, उनके भी सेंटिमेंट हर्ट हो गए हैं। रामायण का, हमारे भगवानों का इस तरीके से इस्तेमाल तो मत करो, थोड़ा तो स्टोरी लाइन पर ध्यान दे दो। स्टोरी से याद आया, मनोज शुक्ला के अलावा डायरेक्टर ओम राउत की भी खोज आजकल चल रही है, ताकि उनको पकड़ के टाइम मशीन में बैठा के त्रेता युग में भेज दिया जाए, तब शायद उनको स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग कुछ समझ में आ जाए। जिनको राम मंदिर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसी विश्वास पे जिसने सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ यही लगता है कि था जन्म स्थान तो यही बनना चाहिए भव्य मंदिर। लेकिन ऐसे विश्वास से क्या हम $5 trillion इकोनॉमी बन सकते हैं, ये देखने वाली बात है। राम मंदिर था या नहीं था विवादित ढांचे के नीचे, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मालूम है। कुछ था, अब वो मंदिर था या और कुछ था किसी को नहीं मालूम है। अब बताइए, आप इतना मेहनत करेंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, फिर मंदिर दिखेगा ही नहीं पोल्यूशन के अंदर। उनको भी आजकल हिंदूस के सेंटीमेंट की चिंता हो गई है, क्योंकि निर्माताओं ने हिंदू धर्म और ऑडियंसेस का बहुत बुरी तरीके से काटा है और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, जिनके मेंबर ने बोला था कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके भी आदिपुर से सेंटीमेंट हर्ट हो गई है। तो देख रहे हो ना आदिपुर का चमत्कार। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फर्जी हिंदू भगवा धाड़ी की। अब जरा एक बार सोच कर देखो, अगर आदिपुर के डायरेक्टर ओम रात की जगह कोई और मुस्लिम डायरेक्टर या कोई मुस्लिम राइटर रहता तो क्या तब भी फिल्म को चलने दिया जाता? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। फिल्म और फिल्म मेकर पे इतने केस और एलिगेशन लगाए जाते हैं कि शायद उनको देश छोड़कर भागना पड़ता। अरे वो तो आदिपुर आज तक थिएटर में इसलिए चल रही है क्योंकि उसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ है। इस फिल्म में प्रभास श्री राम भगवा झंडा गाने की बात कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि मूवी पे कमल का हाथ है। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई तुम लोगों ने भी फिल्म देखी होगी, पिछले 10 सालों से हर बार हिंदू का ट्रंप कार्ड खेलकर वोट बटोर रहे हो, तो यार एक्शन लो ना इस फिल्म पे, जेल में डालो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को। ओ शिट, ऐसा नहीं कर सकते ना आप लोग। पहले फिल्म को फंड के आप जेल में डालेंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। ये सही यार, पहले चीजों को करो फिर उसी को क्रिटिसाइज करो। नहीं मतलब बहुत बढ़िया क्लैपिंग। और वैसे भी भगवा पार्टी को हिंदू का सिंपैथी भी तो चाहिए। वो मिलेगा कब? जब हिंदू का सेंटीमेंट हर्ट होगा। और मुझे तो ये भी पता चला कि 2024 में चुनाव है। अच्छा अच्छा, अभी ये जख्म देंगे तभी तो बाद में मरहम देकर सिंपैथी लेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कब तक? एक बार जनता को ये सब चीजें समझ में आ गई ना, तो आप अपने हिंदू वाला ट्रंप कार्ड लेकर तबला बजाते रहिएगा। फिल्म मेकर्स फुल मूड में थे हिंदू मुस्लिम करवा दो। वैसे भी 2024 बहुत करीब है। अब देखो ना, जैसे जो मुस्लिम होते हैं वो मूंछ नहीं रखते, तो अपने भगवान हनुमान जी की भी मूंछ हटा दिया और आज तक हम सबने भगवान राम को बिना मूंछ के ही देखी है, आई मीन क्लीन शेव में। तो अपने राम जी को मूंछ लगा दी, क्यों? ताकि हिंदू मुस्लिम पे बात आ जाए। लेकिन भारत के हिंदू या मुस्लिम इतने बेवकूफ नहीं है जो आपस में इन बातों के लिए लड़ने लग जाएंगे। मेरा मानना है कि जो भी ढोंगी भगवा का चोला पहनकर हिंदू के आड़ में हिंदू के सेंटिमेंट के साथ खेल रहा है, उनको भगवा चोला से नंगा कर दिया जाए। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई अजय तेरा इस पूरे सिचुएशन में क्या ओपिनियन और कंक्लूजन है। तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म को बैन ही कर दो या करवा दो, मैं इसके साथ में एक चीज को एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने ऑनलाइन थोड़ा इस फिल्म को लेकर ओवर रिएक्ट किया है। देखो मैं लोगों का गुस्सा समझता हूं, रामायण हमारे इतिहास का अटूट हिस्सा है। रामायण लोगों के दिलों में इतना जुड़ा हुआ है कि रामायण के लिए और रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए लोगों के दिल में इतना प्यार है, इतनी श्रद्धा है, इसलिए आदिपुरुष के छपरी डायलॉग सुनकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। ये उनकी श्रद्धा के साथ थोड़ा खिलवाड़ तो हुआ है। तो इसलिए अगर लोग इस फिल्म पर रिएक्ट करना चाहते हैं, मजाक बनाना चाहते हैं, हंसी उड़ाना चाहते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए। यार हमने भी क्रिटिसाइज किया है इस वीडियो में इस फिल्म को, लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये फिल्म जो है ये हिंदुइज्म को बर्बाद करने के लिए आई है। ये जो डायरेक्टर है ना ओम रावत और ये जो एक्टर है प्रभास, ये तो भैया हिंदुइज्म को अटैक करने के लिए निकले हैं। फॉर एग्जांपल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने तो FIR फाइल कर दिया है। कुछ लोग तो इतना नाराज है कि थिएटर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अबे थिएटर ओनर ने क्या गलती कर दिया यार, उसकी प्रॉपर्टी को क्यों तोड़ रहे हो? ये कहीं ना कहीं गलत तो है। तो देखिए, इस फिल्म को क्रिटिसाइज कीजिए, इस फिल्म को बनाने वाले को जो कहना है वो कहो, इस फिल्म से जितनी भड़ास निकालनी है निकालो, लेकिन अगर हम थिएटर को तोड़फोड़ करेंगे तो यार फिल्म मेकर्स भी डर के मारे कुछ नया दिखाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और याद रखे, जिस ओम रावत को आज लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले हुए हैं, तो ये वही इंसान है जिन्होंने तानाजी फिल्म जैसी डायरेक्ट की थी, जो सबको इतनी पसंद है
आई थी जिसने हिंदुत्व और इंडियन कल्चर को इतने अच्छे से दिखाया था। देखिए मेरा मानना है कि जो फिल्म मेकर्स है इन्होंने इस फिल्म के साथ एक रिस्क लिया है एंड आई एम किंडा हैप्पी कि चलो फिल्म के साथ एक रिस्क तो लिया। एक्चुअली आई वांट कि यार हमें नई तरह की स्टोरीज देखे, नई तरह की इंटरप्रिटेशन देखे पुराने स्टोरीज की। अगर मुझे बिल्कुल रामानंद सागर वाली रामायण देखनी है तो मैं वही देख लूंगा, बट अगर कोई नई फिल्म बन रही है तो आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। मैं चाहता हूं कि फिल्म मेकर्स क्रिएटिविटी दिखाए, नई नई चीजें ट्राई करें और रिस्क ले। कभी कभी ये जो रिस्क होता है ना वो सक्सेसफुल होता है, जैसे कि तानाजी, उड़ी, कश्मीर फाइल्स, कांतारा, आरआरआर इसके एग्जांपल्स हैं। और कभी कभी ये रिस्क सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे कि पृथ्वीराज, राम सेतु और अब आदि पुरुष। पिछले 10 सालों में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री पे नजर डालते हो तो ऐसा मार्केट डेवलप हुआ है जहां पर धीरे धीरे प्रो हिंदू, प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर टाइप की फिल्में बन रही है। फाइनली आर्टिस्ट को लग रहा है कि यार हमें इस तरह की फिल्में डेवलप करनी चाहिए और बनानी चाहिए, और आर्टिस्ट नए नए तरह के कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे अटेम्प्ट में कुछ फिल्में जो है वो सक्सेसफुल होंगे, कुछ फिल्में जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की जो फिल्में हैं जो थोड़ी प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर की फिल्में हैं उसके तरफ भी हमें एक ओपन माइंडेड रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष के बाद और भी फिल्में आ रही है, जैसे कि वीर सावरकर पे दो फिल्में निकल कर आ रही है। अजमेर दरगाह में जो रेप कांड हुआ था उसको एक्सपोज करते हुए भी एक मूवी निकल कर आ रही है। चलो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जितनी भी मूवीज निकल कर आ रही है उन सबको हमको एक ओपन माइंडेड की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें पसंद नहीं भी आई तो इतनी बुरी तरह से उसके ऊपर चढ़ के मत बैठ जाओ कि अगली बार फिल्म मेकर ये सोचने लगे कि यार मैं इस तरह के फिल्मों में रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नॉर्मल तरह की बॉलीवुड फिल्में जाकर बनाता हूँ। वैसे आपका इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट जरूर करना, और ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।